शांत समस्त वर्ण सुमणि प्रोतेवितन प्रभे आदिक्षांत समस्त वर्ण सुमणि प्रोतेवितान प्रभे ब्रह्मादि प्रतिमा विकीलित षडाधाराब्ज कक्षोन्नते ब्रह्मादि प्रतिमा विकीलित षडाधाराब्ज कक्षोन्नते सौषुम्नायत शुभ्र पंकजलसा पूर्णेन्दो मध्यस्थिते सौषुम्नायत शुभ्र पंकजलसत् पूर्णेन्दु मध्यस्थित ब्रह्मानंद महासने भगवतीं संविन्मयीं भावये ब्रह्मानंद महासने भगवती संविन्मयीं आश्रये पुण्यपुरे पुण्ये सूर्यनगरेस्मिन् राम ऋष्याश्रमांगने पुरुषोत्तम मासार्थम संवित्सत्रं समाचरे पुरुषोत्तम लाभार्थम तत्तत्वं परिचिन्तये चैतन्य रूपं तं अद्यां विद्यां च धीमहि सा नः संवित् प्रचोदयात् श्रीकृष्णाय वासुदेवाय नमः पुरुषोत्तम ब्रह्मणे नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम् गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने
अन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने आश्रम प्रतिष्ठित परांबा को स्मरण करते हुए पुरुषोत्तम परिचिंतन में प्रवृत्त हो रहे हैं। यह पूरा अनुष्ठान कुछ विशेष रूप से विशेष क्रम को लेकर विशेष दृष्टि से आयोजित हो रहा है। मेरी इच्छा थी सूर्यनगर के संबित साधक पुरुषोत्तम मास के प्रति विशेष रुचि देते हुए रखते हुए विविध स्थानों में जाकर कुछ प्रतीक रूप से अल्प शास्त्रीय अनुष्ठान करते थे। मेरी इच्छा थी इस ब्याज से मैं उन सब स्थानों को फिर से देखूं जहाँ जहाँ मैं जाया करता था। चालीस साल पहले की बात, उस समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि नगर के चारों तरफ कई बुर्ज के स्रोत विद्यमान हैं। पहले हमने शुरू किया था गीता भवन से। कुछ विशेष स्पंदन को लेकर हम उधर चले गए, रास्ते में मिले थे। आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई घूमने जा रहे हैं महाराज, वहाँ तो स्मशान है, वहाँ कहाँ जा रहे हो? हो सकता है ये स्मशान भी साधारण स्मशान नहीं हो, महास्मशान हो। काशी भी महाश्मशान है, वैद्यनाथ धाम चिताभूमि भी महाश्मशान है। सुना है कि भूतनाथ है तो जरूर ऊर्जा होगी वहाँ। बाद में पता लगा कि वहाँ हमारे सब जो साधक आते थे जाया करते हैं, विशेष करके हमारे डीडी साहब, उन्हीं के द्वारा पता लगा। कहीं तो वंजी महाराज तपस्या किए थे, कहीं कलजी महाराज तपस्या किए थे। ये सब महापुरुषों ने वहाँ सहज रूप से अपनी इच्छा से बिना कोई आडंबर आत्मनिष्ठा से संबित साधना का अनुष्ठान किया है। वो एक श्रृंखला जैसी है। इन सब ऊर्जा के केंद्रों को फिर से स्पर्श करना चाहते थे,
हमारे साधकों ने तदनुसार ही ये आयोजन रखा। हमारे परम आदरणीय राम ऋषि महाराज, बचपन से ही उनकी जो आत्मनिष्ठा, त्याग की वृत्ति, तपोमय जीवन, इन सब से साधकों को प्रेरणा मिले। इन स्थानों को आप लोग सुरक्षित रखे हैं, तो इंदिरा जी अभी कह रहे थे प्रातः कालम को कि मैंने उस मीटिंग को अटेंड भी नहीं किया, मेरे को प्रेसिडेंट बना दिया। ये लोग नहीं बनाए हैं, राम ऋषि महाराज ने बनाए। ऐसे ही मानकर आप सेवा करो, इसमें हम कहाँ आते हैं। वो संकल्प काम कर रहा है, वो ऊर्जा चाहती है मेरा प्रसारण हो। जब हमने संविदाम शुरू किया, ऐसा आश्वासन लेकर ही शुरू किया, वहाँ एक ऊर्जा है, वो मांगती है। सत्य को कुछ चाहिए क्या? सत्य को कुछ चाहिए? यदि चाहता है तो वो सत्य सनातन कभी नहीं हो सकता है। सत्य संपूर्ण है, पर एक जरूर उसकी मांग है, मैं प्रकट हो जाऊं। Truth wants to radiate. It's its nature, like light, heat, any energy. It has to radiate. वो विकिरण होती है। इसी बात को लेकर हम देख रहे हैं, इन महापुरुषों ने जो साधना का अनुष्ठान किया, प्रस्तुत किया, उसकी एक व्याख्या लिख कर गए पुस्तक में, नहीं वातावरण में। उसको सुनना है, उसको सुनोगे तो गीता ज़्यादा समझ में आ जाएगी, क्योंकि गीता भी वही वर्णन कर रही है। संबित साधना का चित्रण, अब चार पंक्ति में कैसा सुंदर चित्रण कर दिया। निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता, उसको जाना है, उसको पकड़ना है आज। यहाँ तक आ चुके हैं। इस चित्रण की ये कड़ी है, अंतिम कड़ी है। द्वंद से विनिवृत्त होना, कल काम से विनिवृत्त होना देखा था, उसके पहले संग दोष से, सब निवृत्ति निवृत्ति है, शोधन का क्रम। मोह और मान से निवृत्त होना, एक से बढ़कर एक सूक्ष्म। द्वंद से निवृत्त होना, द्वंद से विमुक्त होना, द्वंद्वैर्विमुक्ता। द्वंद से विमुक्त होकर जी सकते हो? द्वंद के बिना तो जीवन चलेगा ही नहीं। इसलिए भगवान बहुत अर्थ गर्भित ये विशेषण दे रहे हैं, हेतु गर्भित विशेषण दे रहे हैं। द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः द्वंद्वैः विमुक्ताः। इस द्वंद्व को आप एक जगह दे रखे हैं अपने अंदर, उसका कुछ मूल्यांकन करके नोट कर रखा है।
वो सुख और दुख के रूप में आपके मन में अंकित है। नहीं तो द्वंद्व आता जाता है, सिद्धि असिद्धि, माना अपमान, है शीत उष्ण आता है ना, आपके हाथ में नहीं है। ये प्रकृति से ये प्रवाह है, कुछ समझ कर ही भगवान अपनी माया के द्वारा ये प्राकृत जगत का निर्माण किया तो उसका ये रूप दिया उन्होंने, उसको समझना चाहिए। समझने की ताकत केवल मनुष्य में, इसलिए मनुष्य को कम से कम समझ कर उसका प्रयोग करें। पशु आदि को समझने की जरूरत ही नहीं है, दे अडाप्ट सो वेरी वेल, कोई शिकायत नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो रिजर्वेशन नहीं मांगते हैं, वो गवर्नमेंट एड नहीं मांगते हैं, कौन पशु पक्षी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मनुष्य समझना चाहता है, न्याय चाहता है, वो न्याय देखो। साधारण बुद्धि वाले तो चले जाते हैं पॉलिटिक्स में, विशेष बुद्धि वाले ये श्रद्धा से चलते हैं, एक न्याय है, ईश्वर कृत्य है तो उसमें अवश्य एक तात्पर्य है, एक गूढ़ बात है, कोई मामूली बात नहीं है। ये सारा जगत कोई एक्सीडेंट नहीं है, बिग बैंग नहीं है, दिव्य संकल्प, ये को हम बहुश्याम तदीक्षत, ईश्वर का संकल्प। ईश्वर का संकल्प तो शिव संकल्प ही होगा ना, असुर संकल्प थोड़ा ही होगा। इसीलिए द्वंद्वों को भी इसी दृष्टि से स्वीकारना है, स्वीकारना भी नहीं है, स्वीकार के उससे अपना काम बना लेना। अपना काम तो केवल एक ही है, एक ही काम है ना, जोधपुरी काम नहीं, हम संबित काम की बात बतला रहे। स्वतंत्रता सत्य की अभिव्यक्ति है ना, स्वतंत्रता किस लिए है, सत्य की अभिव्यक्ति हो, मैं जो सत्य हूँ उसको मैं प्रकट करूँ, उसी को मुक्ति कहते हैं। कोई छूटना थोड़े ही है, छूटना तो छूट ही जाएगा, वो काल का डिपार्टमेंट है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। सत्य की अभिव्यक्ति मुक्ति है। अब सत्य को जानोगे ही नहीं तो क्या अभिव्यक्ति करोगे, इसलिए सत्य को जानना भी है और अभिव्यक्त करना भी है। इसलिए हम जीवन मुक्ति मानते हैं, किसी प्रकार यहाँ से छूट जा रहे वहाँ जाके बैठ जाए, वो मुक्ति नहीं, लोकांतर गमन नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्म धारितम, ये जन्म मिला, शुक्र कुकर का जन्म नहीं मिला, उसके पीछे क्या संकल्प है, ये जीव मुक्ति का अनुभव करें। ब्रह्मपुरी में आ गया, मानव क्या है, ब्रह्मपुरी है, पुरुषोत्तम नगरी है, इसलिए द्वैत जो है, द्वंद्व जो है, ये सहज है, प्राकृत है, पर उसको संवित दृष्टि से, संवित कुशलता से अपनाना, काम में लाना, केवल ढोके नहीं फिरना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यास्तान्ति तीक्षस्व
याद रखना भारत। प्रथम दिन मैंने कहा ये शब्द याद रखना, प्रथम दिन दो शब्द बतलाया था, याद नहीं है ना क्या शब्द है? अनघ अमोघ नहीं, अनघ। 15वें अध्याय के अधिकारी वो है जो अनघ होगा और भारत होगा। तांतितिक्षस्व भारत, दूसरे ही अध्याय में शुरू में ही 14वां श्लोक है। इसके बिना तो कोई अपलिफ्टेड लाइफ होता ही नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा इंद्रियों के मात्रा कहते, क्योंकि ये सबको मापता रहता है ना। आंख रूप को मापती है, कान शब्द को मापता है, मापता है ना, ये इतना नहीं। चाहे आंख बंद हो, जीभ के ऊपर एक मैं बूंद डाल दूं, पूछूं क्या है, चाटते हुए बतला देते हो कि शायद है, फिर एक बूंद डालो क्या है, चाशनी है, शहद क्या है, चाशनी क्या है, घी क्या है, पता है, सब मधुर हो, वो भी मीठा, ये भी मीठा, वो भी मीठा, उसका मीठा बिल्कुल अलग है। नहीं, ये कौन जानता है? जीभ जानती है। मात्रा कितना शीत है, कितना दुख है, कितना सुंदर, कितना बदसुंदर, ये सारे इंद्रियां मापती हैं। ये मात्रा इंद्रिय स्पर्श होते ही, इंद्रिय किसको स्पर्श करेगी? तब तक अपना अपना जो विषय है उसको, चक्षु रूप को, कान शब्द को, रसना रस को स्पर्श करते ही क्या होगा? शीतोष्ण सुख दुख दा, या तो शीत या उष्ण, सुख या दुख, प्रिय अप्रिय, यही ना होगा विषय। ये द्वंद्व जुड़े हुए, ये जुड़वे हैं। ये जुड़वे कहने से ये है कि सुख का अनुभव होगा तो दुख का भी अनुभव होगा साथ साथ, कंपैरिजन में ही सुख होता हो, अपने आप में नहीं है। ये द्वंद्व का यही मतलब है। शुद्ध प्रकाश को आंख कभी नहीं देख सकती हो, एक छोटी सी एक स्कूल की बात है। शुद्ध प्रकाश, चकाचौंध हो जाएगी, आंख बंद हो जाएगी, कुछ नहीं देख सकती। थोड़ा प्रकाश और थोड़ा अंधकार हो तब साफ दिखाई देगा। इसलिए वो देखते समय क्या करते हैं, ऐसे रखते हो ना हाथ को, साफ दिखाई दे, फोकस करना पड़ता है। शुद्ध अंधकार कुछ नहीं दिखाई देगा। थोड़ा अंधकार भी चाहिए, थोड़ा प्रकाश भी है। परिच्छिन्न प्रकाशत्वम, अंधकार किसको कहते हैं? प्रकाश परिच्छिन्न हो गया उसको अंधकार कहते हैं। एकदम अंधकार में भी नहीं देख सकते हो, एकदम प्रकाश में भी नहीं देख सकते हो, यही बात सब में समझ लो। ये द्वंद्व साथ में होते, इसलिए इसको द्वंद्व का अलग नहीं गिना। प्योर प्लेशर सहन ही नहीं कर सकोगे तुम, इसलिए सुख आएगा तो दुख साथ साथ ही आता हो। कुछ लोग विचार में बता देते हैं कि हाँ मौज ले लो, बाद में पता लगेगा डायबिटीज होगा तब। खा लो खा लो, क्या कचौड़ी है वो? मावा की खिचड़ी। भगवान कहते हैं बाद की बात नहीं, अभी। इसलिए इसको विचार की दृष्टि से द्वंद्व मोह का, द्वंद्व मोह, वास्तव में ये दो नहीं, एक ही है। भगवान आगे जाके 7वें अध्याय में द्वंद्व निवृत्त मुक्त होने के लिए बीज डाल देते हैं।
द्वंद्व मोह से निवृत्त हो जाओ, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। नेचुरल, नैसर्गिक, सृष्टि में ही सर्वभूतानि सारे भूतों में द्वंद्व मोह हो जाता है। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन सम्मोहम यान्ति भूतानि। ये मोह क्यों कहा भाई, ये सोचना है। ये सोच लो तो फिर तितिक्षा में जा सकते हो। तान तितिक्ष स्वभारत, ये तितिक्षा के पीछे विचार हो। गधे की तरफ जो आता है तो सहन कर लो, अब क्या करें, और कोई उपाय नहीं है। हाँ, सासु सुनाती तो सुनने दो, ऐसा नहीं, ऐसा कोई जीवन है। इसलिए भगवान ये सब बहुत सूक्ष्म दृष्टि से संकेत करते हैं। आप लोग ऐसे ही पढ़ के अनुवाद देख के चले जाओ तो काम नहीं बनता है। मात्रा स्पर्शास्त कहते, या वो मात्रा स्पर्श कहने में भी कितनी साइंटिफिक व्यू पॉइंट आ गया है। तुम नहीं छू रहे हो, इंद्रिय छू रहा है। एस्टिमेशन तुम दे रहे हो, उस गलती को ठीक कर सकते हो। सुख दुख संज्ञा ही द्वंद्वय ही, इसकी निवृत्ति तुम कर सकते हो, सुख दुख की निवृत्ति नहीं कर सकते हो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख कदा आगमापायिनः। एक कारण दे दिया, एक विचार का आधार दे दिया। अनित्याः, ये आते हैं जाते हैं, आएंगे तो वो जाएंगे भी। तुम क्यों चिल्ला रहे हो, थोड़ा सा ठहर जाओ ना, थोड़ा सा ठहर जाओ। इतना क्यों आप वायलेंटली रिएक्ट क्यों करते हो? ये प्राकृतिक व्यक्ति ऐसा करता है, बिना विचार के सुनते ही क्या कहा तुमने। आगमा पाई तो हैं, आएंगे और चले भी जाएंगे, पर आएंगे तो इतना दुख देते हैं, मैं सहन क्यों करूं। ज्यादा टिकने वाले नहीं है। अनित्याः, एक मिनट ये रहेंगे, दूसरा मिनट चले जाएंगे। आपको एक मिनट ही सहन करना है। आगमा पाई, आगम अपाई, अपने आप आते हैं, अपने आप चले जाते हैं। क्यों भाई? अब बुखार हो गया तो क्या बुखार के लिए आपने निमंत्रण दिया था क्या? कभी कभी निमंत्रण देते हो, खट्टी खट्टी चीज़ खा लेते हो, गला खराब हो गया, वो दूसरी बात है। बिल्कुल तुम सही हो, फिर भी बुखार आ जाता है, निमंत्रण नहीं दिया ना। दुख आता है बिना निमंत्रण दिए, सुख भी आता है बिना निमंत्रण दिए। हाँ, अब बड़ी उम्र से बाहर गए और ठंडी ठंडी हवा आती है, आपको सुख मिला कि नहीं? क्या सुख के लिए निमंत्रण दिया आपने? अपने आप आता है। आगमा पाई अनित्य है, अनित्यम असुखम लोकम, इसको हटाने में ही तुम लगे रहते हो तो जीने का फिर अर्थ कैसे निकलेगा? हाँ, क्यों भाई? अब सारा कपड़ा धोने में, घर धोने में, इसी में दिन भर चला जाता है, तो घर बनाया क्यों फिर? इसी घर नहीं बनाते तो अच्छा ना। कुछ ऐसा क्रम रखो, इतनी चीजें मत रखो, इस प्रकार से रसोई मत बनाओ। खूब तेल लगा लगा के तो मांझने में दिक्कत होती है ना, तेल प्रयोग ही नहीं करना, हो सकता है ना। सर्वत्र ये इंद्रियों के अधीन होकर तुम स्वयं तकलीफ को निमंत्रण देते हो। इसलिए तितिक्षा में बहुत कुछ बुद्धि लगाना पड़ता हो।
इसलिए एक विचार है ये अनित्य है, और जब उसको रहते हैं तब भी तितिक्षा की दृष्टि से लो, केवल सहने सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, बड़े प्रसन्नता से इसको स्वीकारो, प्रतिकार करने कर सकते हो, नहीं करूँगा तो तपस्या हो जाएगी, कर सकते हो नहीं करेंगे, इसने सुनाया तो इससे डबल में सुना सकता हूँ, नहीं सुनाऊंगा, तब वो तितिक्षा होगी हो। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, द्वंद्व को किस प्रकार तुम स्वीकार करते हो। इसी से महापुरुष बनते हो, इसको हल्के से नहीं लेना। भगवती कुंती का प्रसिद्ध वचन है महाभारत में, हमेशा सुख में ही रहना अच्छा नहीं है, ये भगवती कुंती कहती है। बहुत दुख पाए, कितना बढ़िया जन्म हुआ, कितने प्रभावशाली पुत्र, तुम सोचते बस पुत्र हो गया तब जीवन सुखी हो गया, फिर भी दुख ही दुख, बड़े मुश्किल से साम्राज्य मिला, युधिष्ठिर प्रतिष्ठित हो गए, एक दो महीने के बाद भगवान मिलने आए द्वारिका से। वो प्राय सीधे बुआ के पास जाते थे, बुआई लगती थी ना, कहाँ है बुआ कहाँ है, तो उस सुनकर वो दौड़ के आई, बुआ ठीक हो ना, सब कुशल है, तो रोने लग गई। उन्हें कहा गजब है, अब कौन सा दुख है, मैंने सोचा सारा दुख मिट गया। कुंती ने कहा यही दुख है, यही दुख है, तो कोई दुख नहीं आ रहा है, भगवान उनको कोई साधारण मानो तो मानती नहीं थी। तुम जगत गुरु हो, तुम जानते हो, विपद संतुन शश्वत यत्र तत्र जगत गुरो हो भवताम दर्शनम यस्मात् अपुनर्भव दर्शनम, जिससे मुक्ति मिल जाती है ऐसा दर्शन आपका है, वो मिला नहीं, दो महीना हो गया, क्योंकि मैं सुख में बैठी हूँ इसलिए आप नहीं आए थे ना, वो सुख किस काम का है जिससे हम आपके दर्शन से वंचित हो जाते हैं, हमको दुख चाहिए ताकि आप बार बार आ सकोगे, दुख चाहिए, ये तो बहुत आगे बढ़ गई है, ये साधना बहुत आगे बढ़ गई, आए हुए दुख को किसी प्रकार से हटा दो वो नहीं, ढूंढ के दुख से काम लेना, एक संत थे फकीर जैसे घूमते थे, सूफी संत थे, मस्जिद में जाके सो जाते थे, बहुत अच्छे संत हुए ना, उनमें भी संत होते हैं, अच्छा गुण होता है, अध्यात्म ऊर्जा है तो प्रभाव तो होता है ना, उनके शिष्य भी एक था वो हमेशा उसकी सेवा करते थे। उन्होंने देखा कि ये हमारे गुरुजी जो हैं ये नियम से प्रार्थना करके सोते हैं, वो सीढ़ी के ऊपर सिर रख के सो जाते थे, तो प्रार्थना में वो कई बार ऐसे जोड़ते थे, भगवान आज आपने मेरे को रोटी दी पर मेरे लिए दवाई देना भूल गए, ऐसा कह के फिर वो सो जाते थे। कई बार ऐसा सुना तो एक दिन उन्होंने पैर दबाते पूछा, गुरुजी आपका क्या रोग है बता तो सही। उन्होंने कहा रोग मेरा तो कोई रोग नहीं, फिर आप दवाई क्यों मांगते हो भगवान से, रोटी तो दिए दवाई नहीं दी, ऐसे कई बार बोलते हो, क्या दवाई चाहिए आपको। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है ना,
भगवान कोई सामने आके रोटी नहीं देते हैं, भक्तों के द्वारा भक्त रूप से आकर रोटी दे देते हैं, तो मेरा काम बन गया। पर किसी ने मेरे को गाली नहीं दिया तो दवाई नहीं मिली ना, तो गाली भी वो आकर देंगे ना मेरे को। कि कोई गाली नहीं देता, कोई तुम्हारा विरोध नहीं करता है, तो मेरा मन ढीला हो जाएगा कि नहीं? यू नीड एन अपोजिशन, डिवाइन अपोजिशन हो, पार्टी अपोजिशन नहीं। वो दवाई मिलनी चाहिए। अब सिर्फ रोटी रोटी मिलेगी तो बीमार हो जाओगे कि नहीं? किसी ने मेरे को दुख नहीं दिया तो मैं चिंतित हो जाता हूँ, ये तो बहुत आगे बढ़ गया है। कुंती वही कहते विपद संतु ना शाश्वत। इसलिए जरा ये विचार करो, इस प्रकार तुम इस दुख को लेकर सहन करो तो तुम्हारा स्वभाव सरल हो जाएगा। नहीं तो खूब ऐश्वर्य है, खूब सुख है, कोशिश करके देखो अपने लोगों को खूब सुख देते रहो, कभी दुख होने ही नहीं दो, बदमाश बन जाएगा अवश्य, राक्षस बन जाएगा। तो तुम राक्षस नहीं बनना चाहते हो ना, इसलिए ये द्वंद से अतीत होने की कोशिश करो। प्रत्येक का यह कर्तव्य है, मानो विचारवान। इस बात को चौथे अध्याय में जाके भगवान कहते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। चौथे अध्याय का 22वां श्लोक। ये द्वंद्वी विमुक्ता ये सब देखना पड़ेगा और तब समझ में आएगा। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, बिना कोई ढूंढे बिना कोई इच्छा किए ही लाभ होता है, संतोष कर लो, वाह मिल गया, अच्छा मिल गया। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, बिना इच्छा ही एक लाभ हुआ, संतोष करो। वो संतोष अमृत के बराबर है, संतोष जैसा सुख है ही नहीं संसार में। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है द्वंद्वातीत, वो द्वंद से अतीत हो जाएगा। कैसे मालूम? विमत्सर है, उनके अंदर दोष दृष्टि होती नहीं है, बालक जैसा। बालक में दोष दृष्टि नहीं होती हो, इसलिए बालकपना का मतलब वो नहीं लेना कि कहाँ पेशाब करना कहाँ नहीं करना, ये विचार उसमें नहीं है। पर उसका मानस देखो, जैसे एक बड़ी बड़ा अच्छा दृष्टांत है, एक जगह मैंने पढ़ा था, लिंकन साहब हो गए अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति। जैसे हम महात्मा जी को मानते हैं वैसा वो राष्ट्रपिता जैसे ही मानते हैं, लिंकन साहब। वो देखने में थोड़ा इतना स्मार्ट नहीं थे, ये क्लिंटन साहब जैसे स्मार्ट नहीं थे, मोनिका। तो उनके समय में भी ये प्रसिद्ध थी, बहुत अच्छा आदमी है, थोड़ा सा देखने में ऐसा ही है। एक बार वहाँ के सेनेट के एक विशेष व्यक्ति उनसे मिलने गया, साथ में अपना 3 साल की लड़की है उसको ले गया, क्योंकि वो कहती थी उनसे मिलना उनसे मिलना। किसी विशेष काम से गए तो इसको लेके गए। लिंकन ने देखा इस छोटी लड़की, देखा आओ बेटी आओ बेटी,
वो तो डरते डरते उन्होंने उसके विषय में इतना सुना था, पिताजी सुनाते रहते थे, इसलिए वो तो कोई बहुत बड़ा कोई देवता होगा ऐसा समझ रखी थी उसने। ये तो मेरे को बुला रहा है, वो तो चली गई, उसको पकड़ के उठा के अपने गोदी में रख दिया। वो तो एकदम दंग रह गई, मुझे विश्वास ही नहीं था कि मेरे को छुएगा ये, तो छुया नहीं, उठा के गोदी पर रख दिया। बेटी तुम्हारा नाम क्या है, पूछ रहा है। वो उसको देख रही है, बताओ नाम क्या है। वो सिर्फ टिकटिकी लगा देख रही है। उन्हें पूछा क्या देख रहे हो। उसने चिल्लाई, पापा ये इतना बदसुंदर नहीं है जैसे तुमने बताया था मेरे को। पिता को काटा तो कौन नहीं है, उनको बातों में कह होगा बहुत अच्छा नेफर है बदसुंदर। वो के पिता ये इतना बदसुंदर नहीं है, ही इज ए वेरी गुड लुकिंग मैन। अब वो कहां मुंह छिपावे। ये क्या है, मासूम बना। उसके लिए वहां कोई बदसुंदरता नहीं दिखाई दे रही है। अब ये पता नहीं 10 साल के बाद फिर वो जब पति को चुनेगी तो ये सब देखेगी। अभी बालिका है, उसको ये सब मालूम नहीं है, है? दिमत सारा ये स्वभाव होता है, वो मूल्यांकन नहीं कर रही है। ये लोग मूल्यांकन करके पहले बता देते हैं, लेबल लगा देते हैं, ये फैशन है, ये बैकवर्ड है। इसमें एक सत्य छिपा हुआ है। वो पिता उसके पीछे, पीठ के पीछे ये बल सुंदर कह सकता है, उसके सामने नहीं कह सकता है, सामने कहने की हिम्मत नहीं है। अब उस बच्ची को क्या मालूम मेरा पिता घर में कुछ है और ऑफिस में कुछ है। ये देख रहे हो, और जिसको आप बहुत बड़ा अपना एक मैच्योरिटी समझते हो, प्रौढ़ता समझते हो, क्यों भाई तुम सचमुच उसको बदसुंदर समझते हो तो उनके सामने कहो कि हाँ साहब आप बदसुंदर हैं, कह के देखो तो सही, हिम्मत है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ असली द्वंद्व ये है, ये बाहर द्वंद्व नहीं, कहाँ द्वंद्व, तुम्हारे अंदर द्वंद्व है। यू आर इन एटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, नर्चरिंग टू कॉन्ट्रडिक्टरी वैल्यूज। सरल हो जाओ ना। ये द्वैध भाव अंदर नहीं रखना, सुख में कुछ और है, दुख में कुछ और है, द्वैध भाव हो गया ना। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, समसिद्धा वसिद्धौ च कृत्वा पिन निबद्धते। कुछ भी कर लो उसका असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारे खिलाफ ये पुण्य पाप लिस्ट में नाम नहीं जाएगा। बालक है, बालक कत्ल भी कर दे तो उसको कोर्ट भी कुछ नहीं करता, भगवान तो क्या करेंगे। सी व्हाट अ ग्रेट ट्रूथ इट इज। ये द्वंद्व तुम्हारा अंदर पड़ा है, द्वंद्वातीत। अवॉइड ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, अवॉइड ऑल सेल्फ डिसेक्शन। ये द्वैध पना तुम्हारे अंदर है, कभी कुछ हो और कभी कुछ हो, समसिद्धौ असिद्धौ च, सुख और दुख सम है, कहाँ, तुम्हारी चेतना में। क्यों भाई, अखंडान जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, सुख दुख अलग अलग है ना। अच्छा, इसमें ये दोनों बराबर भगवान कह रहे हैं, बराबर कैसे है, देखो सुख में भी ख, दुख में भी ख। तो बराबर क्या है, ख, ख माने आकाश, ख माने आकाश,
discover a space within you in which all this happens. वो आकाश तो अस्पृष्ट नहीं, क्यों भाई? गर्मी आवे, बरसात होवे, आकाश में क्या हो? तो कुछ नहीं. ख बराबर आकाशवत रहना. हाँ, ये तुम्हारे अंदर वो एक आकाश है, एक जगह है, एक यत्ता है, वन डायमेंशन है. उसको लोगे तो द्वंद्वातीत तो हो सकते हो, डिस्कवर इट. और जगह भगवान इस आकाश को कैसे अपने अंदर देखोगे उसका भी उपाय बता चुके हैं, सब बता चुके हो. अब ढूंढ के निकालना पड़ेगा. आप तुमने तुम्हारी आंखों से मालूम होता है, इसलिए तो आपको बुलाया. आप कह रहे हो मैं ढूंढ के नहीं दूंगा. जीना तुमको पड़ेगा, सुनने से क्या होगा. तुमको ढूंढना पड़ेगा. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान. अर्जुन आत्मवान बनो. अब डॉक्टर बनो या कुछ भी बनो, बेवकूफ का बेवकूफ बने रहोगे तो क्या फायदा. आत्मवान बनो, निर्मुक्त हो जाओगे. आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर, तुम है वो, बनना क्या है वो, बनने की कोई बात ही नहीं. अपनी आत्मीयता का प्रयोग करो. अब नहीं कर पा रहे हो ये वैषम्यता के कारण. आत्मवान बनने के लिए तीनों गुणों से अतीत होना पड़ेगा. ये जो ये सांसारिक विद्याएं हैं ना, वेद भी वही है. धर्म अर्थ काम इसके बारे में जितना बतलाता है वो सारा कर्म कांड उपासना कांड, ये सारा वेद तीन गुणों को लेकर ही विधान कर सकता है. नहीं, भगवान भी बोलेंगे ना कि ये सात्विक व्यक्ति ये करेगा, तामसिक व्यक्ति ये करेगा, ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, क्षत्रिय का ये कर्तव्य है, सब गुणों को लेकर. त्रैगुण्य विषया वेदा, तुमको जरा इससे ऊपर उठना पड़ेगा, तीनों गुणों से उठना पड़ेगा, वेद से भी परे वेदांत में जाना पड़ेगा. वेदांत बतलाता है आत्मस्वरूप क्या है, और उस आत्मस्वरूप को पकड़ते पकड़ते तुम ब्रह्म स्वरूप में चले जाओगे, जिसको भगवान यहाँ पुरुषोत्तम पद कह रहे हैं. हाँ, क्यों भाई? ये पुरुषोत्तम भी तुम्हारे अंदर है ना, अपने अंदर ही देखना है इसको. पुरुष, पुरुष माने अंदर रहने वाला. निस्त्री गुण्यो भवार्जुन, ये तो कैसे होगा? तीनों गुणों से कैसे, जैसे द्वंद्व से हम कैसे ऊपर उठे हैं? निर्द्वंद्व है, नित्य सत्वस्थ है, निर्योग क्षेम, तो आत्मवान बन जाओ. निर्द्वंद्व, तुम्हारे अंदर द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व रहित हो जाओ. द्वंद्व रहित हो जाओ. ये तो द्वंद्वैर विमुक्ता, अध्यात्म विद्या रहेगी तो निर्द्वंद्व हो जाओगे. इसलिए आगे अध्यात्म विद्या बीच में रख दिया ना. अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता, ये अध्यात्म काम अध्यात्म नित्य सब में जाएगा. वो नित्य सत्वस्थ होना पड़ेगा. नित्य सत्वस्थ हो जाओगे तो निर्द्वंद्व निर्योग क्षेम आत्मवान बन जाओगे. अभी ये तीनों गुणों से तुम्हारा मन संचालित है, मन को केवल सत्व में रखो. नित्य सत्वस्थ, भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर लिखते हैं, नित्य सत्वस्थ का मतलब क्या? सदा सत्वगुण आश्रितो भव. सदा सत्वगुण
आश्रितो भव। ये करना है, इसलिए जो उन्नत जीवन जीना चाहता है वो राजसिक क्रिया, राजसिक चिंतन, राजसिक भाव को छोड़ देगा, उससे ऊपर उठेगा। पशुभा में ये सब आएंगे, तामसिक और राजसिक स्तर को छोड़ो, छोड़ने का प्रयास करो। उसका सकारात्मक यही है, अध्यात्म नित्य हो जाओ। अध्यात्म नित्याहा, हमारे गुरुजी बताया करते थे दृष्टांत में, ये कोई पंडित का बालक, विप्र बालक, काशी में जाके गुरुकुल में अध्ययन सब करके फिर 12 साल 15 साल हो गए, कम से कम एक वेद का तो अध्ययन करना है, हो सके तो 2-3, एक को पूरा करने में 12 साल लगता हो, फिर आचार्य देखेंगे कि हाँ इन्होंने वेद विधान के रहस्य को समझ लिया, फिर बाकी सब अपने आप लगा लेगा, अब जाके ये जीवन निर्माण कर सकता है। ये कोई डिग्री तो होती नहीं है, जीवन को जीना चाहिए, धर्म के अनुसार जीवन निर्माण करने लायक हो गया तो वो उस डिग्री हो गई। तो वो समझ लिया गुरु ने, हाँ इन्होंने वेद रहस्य को पकड़ लिया, सलक्षणाम कन्याम उद्वाहये, कभी कभी वो आचार्य स्वयं ढूंढ के तुम्हारे स्वभाव के अनुसार ये कन्या अच्छी है, जाओ अब धर्म का प्रैक्टिकल करो, है ना। इसलिए उनको कह दिया अब तुम जाओ, तो ये लड़का जा रहा है, बता दिया वहाँ है तुम्हारे कन्या, पिता को कहना वो आके कर लेगा। तो वो गांव जा रहा अपना, काफ़ी दूर था, रात को पड़ाव डाल दिया, एक रास्ते में एक नगर आया था उसमें, और वहाँ उन्होंने सुना कि यहाँ का जो नगर सेठ है ना, बहुत धार्मिक है, बहुत विद्वान है, विद्वानों का आदर करता है, खुद विद्वत्ता जानता नहीं तो क्या आदर करेगा। ये सुनने से वो रात भर सोचता रहा, जब यहाँ रहना ही है तो थोड़ा अपना काम कर लेना, आगे अपने को धन की जरूरत पड़ेगी, और जाऊँगा तो ठाट से जाऊँगा। तो जाके मिला सेठ से, मिला और कहा, सेठ जी मैं ऐसा एक भागवत सप्ताह करा दो ना मेरे से। ये जानते हैं किस लिए भागवत सप्ताह करते हैं। वो तो बहुत ही आगे बड़ा हुआ साधक था, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है पंडित जी, आप बहुत छोटी उम्र में ही इतनी तेजस्वी था आपके अंदर हैं, परंतु भागवत भागवत सब भागवत कहते हैं, मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ, बताइए। मैं भगवत गीता सुनना चाहता हूँ। अब वो एकदम गंभीर हो गया, हाँ भगवत गीता सुना दूंगा, पर मेरे को थोड़ा सा फिर से वो देखना पड़ेगा बादशादी है, मैं 1-2 दिन देंगे तो फिर मैं आपको सुना दूंगा, सारा प्रबंध कर दूंगा। उन्होंने बहुत बड़ा, उनकी वो फार्म हाउस था, उसमें उनको एक कुटिया दे दी, सारा भोजन का प्रबंध। एक सप्ताह के बाद फिर वो बीच में पूछता रहा, सेठ जी को पूछो टाइम है क्या उनको, उन्होंने कहा नहीं नहीं उनको अभी अध्ययन करने दो। एक सप्ताह के बाद फिर पूछा उन्होंने, उन्हें कहा कि पंडित जी देखो आपने देख लिया पूरे भगवद गीता, देख ली, कोई भी अध्याय सुना सकते हैं, हाँ आप पूछ लो, 15वें अध्याय सुना सकते हैं, 15वें अध्याय थोड़ा और समय चाहिए मेरे को, अच्छी तरह से कोई जल्दी नहीं है, और ये एक सप्ताह करो, दोबारा आलोचना, सिर्फ 15वां अध्याय नहीं,
पूरी गीता देखो तो 15वें अध्याय समझ में आएगी। मैं सोचा ये तो सेठ जी बहुत कठिन आदमी है, एक सप्ताह दो सप्ताह वो फिर आया ही नहीं। लोगों से पूछे भी ये पंडित जी क्या करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं कि नहीं, वो निकलता ही नहीं है, वो तो अंदर ही बैठा है, क्या करता है, बस पढ़ता रहता है। जो ग्रंथ मांगता है तो दे देते हैं। सेठ जी का बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, अष्टटीका मांगा तो अष्टटीका दे दी भगवद गीता की। तो दो सप्ताह के बाद वो खुद दिन गया मिलने के लिए। पहले तो वो मिलने के लिए आता था, अब ये गया, देखा तो वो पढ़ता है और आंख बंद कर लेता है, तो एकदम निमग्न है, निमज्जित है, आनंद में डूब रहा है। एक एक पंक्ति पढ़ते फिर उसका मनन करता है। सेठ जी ने कहा ये सही लाइन पर आ गया है। देखे वहाँ कटकट आया वो, अरे सेठ जी आप आ गए, क्या करें, तो आप तो आए ही नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ रहा है। सेठ जी माफ़ करना, मेरे को पता ही नहीं लगता कब दिन उगता है, कब रात आ जाती है। ये तो महान सागर है और बड़ा आनंद है, तो वो तो दिखाई दे रहा है, यही चाहिए था। आपको वहाँ गांव जाना है ना? हाँ गांव तो जाना है, जरूरी है ना? ऐसे जरूरी तो नहीं है, पर वो कुछ शादी की बात चल रही है। सेठ जी बहुत खुश हुए, उन्हें कहा कि अब सुना के ही जाओगे आप, 15वें अध्याय पूरा आपसे सुनूंगा तब आनंद आएगा। नहीं क्यों, टाइम हो गया। अध्यात्म नित्या भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर लिखते हैं, परमात्म स्वरूप आलोचन नित्या तत्परा। अध्यात्म नित्या की व्याख्या, परमात्म स्वरूप आलोचन नित्य, हमेशा नित्य परमात्म स्वरूप की आलोचना में लगे रहो, शुद्ध सत्व आ जाएगा, और बिना सत्व गुण या परमात्मा का ध्यान नहीं लगता है। इसलिए वो शास्त्र अध्ययन में मन को एकाग्र करो, वो कोई थीसिस लिखने के लिए नहीं। हमारे डीडी साहब तो इतने करुणामय थे, उनका नाम ही मैंने रखा दयालु, वो तो पूरा थीसिस लिख के दे देते थे, जाओ अपने नाम से करा दो। थीसिस तो वैसे ही हो जाए। परमात्मा स्वरूप आलोचन नित्या अध्यात्म नित्या, शुद्ध सत्व आ जाएगा हो, सत्व गुणक में ही रहना हो तो अध्यात्म संबंध ही रखना। आप लोग सन्यासी का स्वागत करते हो तो क्या बोलते हो, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था सन्यास योगा यते है शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व होने के लिए ये सारा करना पड़ेगा हो, इसलिए अब आगे प्रवेश करेंगे वो।